हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 28। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। देखो, उसमें बोल रखा है हमको, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल 6x² - 5x + 1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और आपकी एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सिंपली जो अल्फा और बीटा है ये जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है इसके जीरोज हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। देखिए, कई टाइप में क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, हम आसान तरीके से करते हैं। मेनली क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 28 आपका, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा था कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, 6x² - 5x + 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है और इसके जीरो जो दे रखे हैं वो हमको क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। तो देखो, आप हमने अल्फा और बीटा जैसे हमारे जीरोज हो जाते हैं, अगर मैं यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालूँ, सम ऑफ अगर जीरोज निकालूँ तो वो क्या होंगे हमारे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यही रहेंगे। तो अल्फा और बीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपोन है ना। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5, तो -5 ब्रैकेट में लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय ए, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो ये हमारे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम निकालें तो क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि किसके बराबर फॉर्मूला होता है, सी बाय ए। तो सी बाय अगर हम निकालें तो सी की वैल्यू कितनी है, 1, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू 6, ठीक है। मालूम ना आपको जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x² + bx + c, तो ए की जगह पे 6 है, बी की जगह पे -5 और सी की जगह पे +1, ठीक है। तो ये हमारे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गए। अब हमको जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है उसके जो जीरोज दे रखे हैं वो हमको क्या दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो देखो, अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पे वैल्यू दे रखी -b/a, c/a, इनकी सबकी वैल्यू दे रखी, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ना, जो कि 5/6 और 1/6 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि क्या होता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α(β) है ना, ये 2 है, ठीक है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखने, अगर नहीं भी याद रहते तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या होता है, a² + b² प्लस में क्या होता है हमारे पास 2ab। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, a² + b² की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2ab दरअसल किस में आ जाएगा, माइनस में 2ab, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से बच जाएगा a² + b², तो वही काम हमने यहाँ पे भी किया है, a और b की जगह पे अल्फ़ा और बीटा है। देखो तो हमने क्या किया है, यहाँ से a² + b² यानी α² + β² की वैल्यू निकाली, जो कि क्या हो जाएगा, α + β² - 2α(β), वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए यहाँ से क्या है, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/6 है, तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, 5/6 स्क्वायर लगा, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, -2α(β) की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/6, ये 1/6 दे रखी है, इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36 माइनस, देखो 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे बचा 1/3। इसको आप क्या करो, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 और 3 का एलसीएम आएगा 36 ही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 से 36 कैंसिल, बचेगा 25 माइनस 3 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 और 3 2 6 12, ठीक है, तो 12 1 12 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 - 12 जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 13 है ना, 13/36, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अभी हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू
बीटा भी निकालना है, सॉरी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, हमारे पास जो रूट है दूसरे वाले के अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकालना है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा दोनों का स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको मालूम है कितनी दे रखी है 1/6, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये आ गई हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। देखिए अब यहाँ से आप क्या करो, या तो आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो फॉर्मूला लगा लो है ना, या आप क्या कर सकते हो यहीं से, तो देखो थोड़ी चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो। देखो हमको मालूम है ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो देखो हमको पता है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, ये दे रखा था हमारे पास कितना 13/36 आया है ना, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का नहीं, सम ऑफ जीरोज जो है 13/36 आया, फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोज का माइनस बी बाय होता है। अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ तो बी की वैल्यू आपको कंपेयर करो यहाँ से क्या दिख रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, बी की जगह पे देखो यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, तो जो बी है वो बी हमारा कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, और यहाँ से ए से अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 36, ठीक है। यहाँ से ए और बी हमको मिल गया, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए, तो सी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 1, और ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 36, ठीक है। यानी देखो ए की वैल्यू 36 है तो, और सी की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है -13 है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, क्या होता है हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसी से निकालते हैं अपन है ना, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -13, ठीक है, और एक्स का एक्स यहाँ पे, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि उसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर -13x और +1, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा है ना। आप चाहो तो यहाँ पे जो हमने एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप चाहते तो जीरोज निकाल के यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं ना, कई टाइप हैं है ना, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बाकी ये आपको मुझे आसान लगा था इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ें बता दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।